जाहिर था, तेर तरफ गूंजा था जैसे कोई जरस हो मंदिर का, सौंधी सौंधी जैसे पहली बारिश की खुशबू गूंजे। अर्जुन की आंख निशाने पर थी, उसकी आंख थी अर्जुन पर। उसने मन में वही चुना था जिसने उसको जीत लिया था। सूखी लकड़ी टूटी टहनी के माने उसके साथ चलने को तैयार थी वो। उसके चेहरे की चमक थी क्या, क्या कब्र का लोच था, क्या था जिसने हवास उसके उजाड़े थे। खुशी की फिक्र जो करते हैं उन्हें दर्द जल्दी मिलता है। खुशी की फिक्र जो करते हैं उन्हें दर्द जल्दी मिलता है। चौंक गई जब सुना कि उस पर जानों का भी पूरा हक है। बुढ़िया ने कहा था बांट लो आपस में बराबर। ऐसे उसकी रगों में उस रात एक हैजान पैदा कर रही थी जब स्वयंवर जीतने वाले पे बाजी ले गया था वो। आंखों से विरोध तो झलका था लेकिन बेकार। बुढ़िया ने जब कह ही दिया वो सांझी है, वो सांझी है और अर्जुन का कोई हक नहीं। अर्जुन का हक पहला हक तो गलत होगा लेकिन पहला हक उसका हो ये भी तो गलत होगा। जैसे वो बटने के लिए भूसे से गिरी बोरी की ठंडा पड़ा था हौस किनारे उसका तीरंदाज अर्जुन। पास खड़ा था वो जिसकी आगोश में पहली बार की। ठंडा पड़ा था हौस किनारे उसका तीरंदाज अर्जुन। जैसे तुम इनाम थी उसकी किसी कारीगरी का। खामोशी एक इजहार था जब तुम्हारी जांघों पर था बोझ से जिस्म का, कुछ के सूरज कोयला सरे गया था मायूसी से है ना। आरज़ू पा लेना मछली के पकड़ लेने सा है, आरज़ू पा लेना मछली के पकड़ लेने सा है। हाथ आते ही दिखाई देने लगता है मौत का खामोशी से चढ़ता वेला। कमाल बढ़ती है श्यामे क्या रंग में जो रोशनी को खोल देती है। नारायण भाई तुम्हारे
खामोशी क्या जानती है वक्त और माहौल को? खामोशी क्या जानती है वक्त और माहौल को? या ये सिर्फ मौके का अंदेशा? उस घड़ी में भी समझ रही थी क्या तुम्हारे शब्द के पीछे सूलती हैं आंखें, या उसकी आंखों में लिखोगे जो इबारतें तुम उन्हें पढ़ना चाहेगी उस दफा या नहीं? फसल पकी हो तो एक फूंक से भी झूम उठती है, कभी वो तुम्हारी है तो खुद को सौंप दे सुपुर्द करे। उसने सभी की झुकी हुई आंखों में हवस की लाल टपकती देखी थी जब सबने सर को खम लेकर मंजूर किया था। उसने सबकी आंखों में हवस की लाल टपकती देखी थी जब सबने उसको खम लेकर मंजूर किया था। उसकी मनमर्जी को किसी ने पूछा नहीं, चूर हुआ अर्जुन का सपना जो वो लेकर बैठी थी। समान नहीं थी, समान नहीं थी, आपस में जो खानदान में बट सकती थी, समान नहीं थी। द्रौपदी थी वो, बाग बाज माँ थी वो, इसरार भरी एक सरस्वती, इंतकाम काली का वरदान थी पार्वती का, और शक्ति का बल थी वो। आग से जलनी थी वो, आग की देवी थी वो, द्रौपदी थी वो। सावन सावनी मेघ सी हल्की बली की लपटों से उठी थी, धरती की बेटी थी वो, द्रौपदी थी वो, द्रौपदी थी। आए चीन दो एक बात को उठने लगती है, खुद को मत फैलाओ युधिष्ठिर, मीठा फल जैसे भी खाओ मीठा लगता है। ये सच तो है, सभी की आंखों में शैवत थी जब द्रौपदी का दिल पर एक इनाम जीत लिया था स्वयं। बड़ी उजलत में उसने खोली थी चूड़ी की गिरह, उबलती छातियां थी उसके हाथों में जब बिना दस्तक बिना आवाज दरवाजा खोला था किसी ने, वो अर्जुन था। वो बेकाबू हुआ था या वो जल उठा था उस लम्हे, या सचमुच ही उसे उतावल तब पीछा करने की, मवेशी लेके जो कुछ चोर भागे जा रहे थे वहीं रखे थे सब हथियार अर्जुन के, जहां पर द्रौपदी आगोश में लेटी हुई थी युधिष्ठिर के। गलत मौका था शायद, गलत मौका था शायद, या लिखा था ऐसा ही बोला, उल्लंघनों का आपसी शर्तों में भी मुमकिन न था, कोई रास्ता नहीं था, अब जो होना था सो हो चुका था। मिला वनवास अर्जुन को सजा में, मिला वनवास अर्जुन को सजा में कि वो मशकूक निकला था। युधिष्ठिर को बड़ा अफसोस था, लेकिन सजा अर्जुन ने ली थी हौसले से। किसी ने भी मगर पांचाली की मर्जी नहीं पूछी। अकेले उसके सामने वो और चार शव इनके, बिना कुछ कहे उसने चेहरा मोड़ लिया। ये किसके बस में है कि आरजू को प्यार भी दे, अगर चे सब तराशे ना संग तराश, मगर वो संग को हाथ से तो फैला सकता था। युधिष्ठिर आरजू को थामे रहना ओख में बारिश का रखना है। ओ धर्मराज, सबसे सयाने पुत्र कुंती के, तुम घुटन में गुस्से से फूटो ये इजाजत ही नहीं थी तुम्हें। किसी सन्यासी की मानिंद दबा कर जब्त रखो, इसी में इज्जत भी थी खुदबा। ये मालूम था उसको, मगर वो एक शोले की तरह बहकी हुई थी, कमल सी आंखें थी जिसकी, उसे वो माफ करने को तैयार न थी। अभी भूली नहीं थी वो उसे जब कौड़ियों के दाम पर इसने लगाया था, कौड़ियों के दाम पर इसने लगाया था। उसे
खीरापुर हथियाने की साजिश थी, लेकिन Thank you.
कैसे खुले जी हरम कैसे खुले वगर उसको जीत नहीं थी फिर वो उसको कैसे हार गया अगर उसकी जीत नहीं थी फिर वो उसको कैसे हार गया एक शख्स जो अपना सब कुछ हार चुका था वो उसे दांव पर खेलने का हक कैसे लगता था किसको पहले हारा उसने बोलो किसको पहले हारा उसने खुद को हारा समझने वाली किस्मत भी यही कहते हैं
कि युधिष्ठिर कौड़ी फेंको कौड़ियों को खुश बनाने को, युधिष्ठिर कौड़ी फेंको कौड़ियों को खुश बनाने, 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 झीली सी चादर युधिष्ठिर और द्रौपदी के दरमियान लहरा रही थी, जो कभी किसी परिंदे के लौटने से हिल जाती, कभी किसी शाख को हिलने से सहम जाती।